फ्रेंड्स, वेलकम टू आई सिंधी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस डिस्कशन वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाल कला के बारे में। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताएं कौन सी है, पर हम स्थापत्य और मूर्तिकला के अलावा टेराकोटा और पेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे। ये ऐसा जो सवाल है वो आपसे जीएस पेपर वन में पूछेगा। कुछ आर्ट एंड फॉर्म के जो टॉपिक हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पाल कला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस तरह के सवाल का इंट्रोडक्शन कैसा हो, क्योंकि ये तो आप मान के चलिए कि जितना कंटेंट आप लिखेंगे उतना ही कंटेंट बाकी लोग भी लिखेंगे। तो अगर आप किसी और से एक दो नंबर ज़्यादा चाहते हैं तो आपके पास जो वो एरिया है स्कोर करने का वो है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड आपका प्रेजेंटेशन। तो इंट्रोडक्शन, अगर आपके पास लिटरेचर का सेंस बहुत अच्छा है, अगर आप लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है, अगर आप अच्छे वाक्य बना सकते हैं तो आपके हक में जाएगा। और अगर आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पाल आर्ट है तो आप पेंटिंग तो बना नहीं सकते अपने इसमें, आपको कंटेंट ही लिखना है। पर यस, इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिद्धेश्वर टेंपल कहाँ है, कहलगांव टेंपल कहाँ है, शिव टेंपल कहाँ है, तो आप बिहार का मैप बना के बता सकते हैं कि गया में है, भागलपुर में है, नालंदा में है, इस जगह पे पाल कला के जो है रिमेन्स आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपके आंसर में क्या हुआ, इनोवेशन आ गया। तो आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं उस पर भी आपकी मार्किंग बढ़ेगी। एंड देन कंक्लूजन में, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एंड करते हैं, किसी भी आपने किसी पेंटिंग से रिलेटेड कोई कोट लिख दिया या फिर आर्ट से रिलेटेड कोई कोट लिख दिया, तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आएंगे तो एवरेज ही, बट यस एक दो नंबर आपको ज़्यादा आ सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन किस तरह का हो, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे स्कोप है, आप मैप के थ्रू भी अपनी बातों को प्रदर्शित कर सकते हैं कि पाल शासन जो था वो कहाँ से कहाँ था, कौन से एरिया में था। तो बिहार की बारे में अगर हम बात करें तो 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी के जो एरिया में, टाइम में, एरा में बिहार और बंगाल में पाल वंश का शासन था। और आफ्टर मुगल और गुप्ता के बाद ये लोग आए और इन्होंने ही जो वो रिच जो कल्चर जो हेरिटेज थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, टेराकोटा पेंटिंग के माध्यम से। तो इस तरह से हम कुछ शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल, आप अपने हिसाब से लंबा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करें। और मैं तो सजेस्ट करूँगी, ये जो स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको पता है कि इसी तरीके से पूछे जाएंगे, जहाँ पे कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकती बीपीएससी, उसकी इंट्रोडक्शन आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नया बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम भी बचेगा एंड आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं पाल कला के क्लासिफिकेशन के बारे में, इसको किन किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सवाल तो यहाँ पे मेनली आपसे पूछा जा रहा है वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में, पर हम एक नज़र टेराकोटा और चित्रकारी पर भी देंगे। तो आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है पाल कला का, एक तो इन्होंने महाविहार का जो निर्माण कराया था वहाँ पे पाल आर्किटेक्चर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फिर मठ और मंदिर। उसके बाद अगर हम मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला दो तरह के उस टाइम पे प्रिवलेंट थे, एक तो जो पत्थर पर होती थी और एक जो कांसे पर होती थी। टेराकोटा के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा बहुत हम पेंटिंग के बारे में बात करेंगे अपने आगे के स्लाइड्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तुकला के बारे में। तो जो पाल कला का जो वास्तुकला है इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो 200 साल है उस पर बुद्धिज़्म का प्रभाव था और बाद के जो 200 साल थे उस पर हिंदुज़्म का प्रभाव था। इसके जो साक्ष्य है वो हमें वेरियस इनके जो आर्ट फॉर्म है, जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है उसमें हमको देखने को मिलता है, जैसे कि ओदंतीपुर महाविद्यालय, विक्रमशिला महाविद्यालय, नालंदा और सोमपुरा। इसको हम क्या कर सकते हैं, बिहार का मैप बना दें और आप पॉइंट कर दें कि यहाँ 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 ये इनका वास्तुकला है। उसके बाद हिंदुज़म का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, जो शिव टेंपल जो है गया में वहाँ पे देखने को मिलता है, सिद्धेश्वर महादेव टेंपल है बर्धमान वेस्ट बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। और रॉक केव टेंपल है कहलगांव में, वहाँ पे हिंदुज़म का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो वास्तुकला थी इसकी विशेषताएँ क्या क्या थी, मतलब कुछ तो होगी ना जिसको जो इनको बाकी चीज़ों से अलग करती है। तो हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर जितने भी इनके जो वास्तुकला के जो एग्जांपल्स हैं उसको हम अलग अलग तरीके से दो दो लाइन हर किसी पे लिख सकते हैं। जैसे नालंदा के बारे में हम लिख सकते हैं कि इसके जो रिमेन्स है बोधगया और नालंदा में अभी भी मौजूद हैं, जो बताते हैं कि पाल कला कितनी महान थी, कितनी बारीकियाँ थी उसमें। और अगर बुद्धिज़्म बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को पढ़ना है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नालंदा है। यहाँ पे
यहाँ पे पढ़ाई भी होती थी, साथ ही साथ जितने भी बुद्धिस्ट के जो डॉक्ट्राइंस है वो सारे के सारे यहीं पे मौजूद हैं। उसके बाद हम अगर विक्रमशिला विहार के बारे में बात करें तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में अभी भी है, ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था और ये मेनली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, यहाँ पे वज्रयान सेक्ट की पढ़ाई होती थी, इसके रिमेन्स अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद उदंतीपुर महाविहार के बारे में बात करें तो ये हमें बिहार में ही मौजूद है और इसको गोपाल ने बनाया था, पाल शासक गोपाल ने बनाया था जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। ये भी बहुत ही मैग्निफिशेंट है और एक तरह से ये एक मॉडल के रूप में काम करता है, तिब्बत की जो मोनेस्ट्रीज़ है वो यहीं से इंस्पायर होकर वहाँ पे बनाई गई है। अब हम थोड़ा सा ये सब कौन सा था पहले जो 200 साल था जिसमें बुद्धिज़्म का जो प्रभाव देखा गया है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदुज़म के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं पाल कला के जो बाकी के 200 साल में प्रिवलेंट थे। तो सबसे पहले हम हिंदुज़म वाले टेम्पल्स के बारे में बात करें तो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो बर्दवान में है, ये 9th century का टेम्पल है और ये वंग स्टाइल से ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग शिखर्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये काफ़ी हद तक नागर स्टाइल और जो आर्किटेक्चर है उसकी इसमें झलक देखने को मिलती है। उसके बाद रॉक कट टेम्पल जो कहलगांव में है, ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ को काट के किस तरह से बनाया गया है। और उसके बाद शिव टेम्पल जो गया में है उसका आप ये शिखर देखें, ये सब बताता है कि कौन से आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बात हम कर सकते हैं कि इसका जो मेन मटेरियल था, बिल्डिंग का जो मेन मटेरियल था वो था ब्रिक्स, टेराकोटा ब्रिक्स। उसके बाद टॉल बिल्डिंग, शिखर, वंगी स्टाइल, थोड़ा बहुत उड़िया स्टाइल से ये प्रभावित था। उसके बाद प्लांट मोनेस्ट्रीज का बनाया गया था। तो ये सब क्या हुआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक हुए जिसको आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। अब वास्तुकला के बारे में चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। तो मूर्तिकला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो जो स्टोन से बनी थी और दूसरी जो ब्रॉन्ज से बनी थी। तो मूर्तिकला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो जो मूर्तिकार थे पाल वंश में, धीमन एंड बिटपाल, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये मूर्तिकला के लिए भी थे और साथ ही साथ ये पेंटर्स भी थे और इनका नाम मेंशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ अगर हम मूर्तिकला के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक जंक्शन देखने को मिलता है कि पहले के जब शुरुआत के वर्षों में जो मूर्तिकला थी वो जो थे वो बहुत ही सिंपल थे, वहाँ पे ज़्यादा डेकोरेशन नहीं था। पर बाद की जो मूर्तिकला के जो एग्जांपल्स मिलते हैं पाल वंश में वो हैवीली डेकोरेटेड है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इसको पहनाया गया है, ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक था इसके स्कल्पचर का। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको मिलेंगे ब्रॉन्ज मूर्तिकला की, जो ब्रॉन्ज में जो काश्तकारी की गई है। उसके बाद अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन में कौन सा स्टोन यूज़ करते थे, ये मेनली ब्लैक बेसाल्ट स्टोन्स। और अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो अवलोकितेश्वर की इमेजेस हैं जो नालंदा से प्राप्त हुई है। उसके बाद सुल्तानगंज बुद्धा है जो कि सबसे बड़ा ब्रॉन्ज आइडल है, अभी ये रखा गया है बर्किंगम के म्यूज़ियम में। तो इस तरह से हमने स्कल्पचर्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में, इस दौरान की जो पेंटिंग्स थी। तो देखिए पेंटिंग जो थी वो दो तरीके से हम इसको मेनली कर सकते हैं, एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि लिखी जाती थी, जैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइंस जो होते थे, बॉर्डर्स जो होते थे उसको सजाने के लिए यहाँ पे पेंटिंग का सहारा लिया जाता था। साथ ही साथ कुछ मिनिएचर पेंटिंग जो बहुत ही छोटी होती थी कवर्स पेजेस को सजाने के लिए, और उसके बाद एक होती है वॉल पेंटिंग जो दीवारों पर बनाई जाती थी। तो ये तीन तरह की पेंटिंग्स थी जो वहाँ पे प्रेवलेंट थी उस ज़माने में। और किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, पत्ते का उपयोग किया जाता था, कैलीग्राफी मतलब यही बॉर्डर्स लाइन को सजाने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद हीमन बटपाल जो थे बहुत अच्छे पेंटर थे इस ज़माने में, और इसका जो इन्फ्लुएंस है ईस्टर्न इंडिया पे, तिब्बत पे, नेपाल पे और भूटान पे था इस तरह की पेंटिंग का इन्फ्लुएंस। और इसमें जो पेंटिंग्स होती थी उसमें जो फिगर होते थे सिर्फ एक ही इंसान को पिक्चर पे डिनोट किया जाता था, जैसे देखिए एक ये सिंपल, तो लोनली फिगर को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ग्रुप वाले जो फिगर्स होते थे वो बहुत ही कम देखने को मिलते थे अगर पेंटिंग की बात करें तो। पेंटिंग की बात करने के बाद हम बात करते हैं टेराकोटा के बारे में। तो टेराकोटा क्या होता है, हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से टेराकोटा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्यों, क्योंकि टेराकोटा में 5 तत्व होते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड अर्थर। तो भगवान की पूजा के लिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो भी कुछ पर्व त्यौहार होता है उसमें जो टेराकोटा के जो चीज़ें होती हैं उसको चढ़ाया भी जाता है। तो मुख्यतः जो टेराकोटा का जो यूज़ था उस टाइम पे क्या था,
एक तो कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते थे, और दूसरा था कि जो मंदिर के जो पिलर्स होते थे, यहाँ पे देखिए, उस सबको सजाने का काम होता था। तो मुख्यतः जो टेराकोटा का जो उस टाइम पे यूज़ होता था पाल वंश के टाइम पे, वो डेकोरेशन के पर्पज़ से होता था। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, ये मंदिर के पिलर्स को सजाने के लिए, वॉल्स को सजाने के लिए, इसी सब का है। विक्रमशिला का जो महाविहार है उसके जो रूइंस बचे हुए हैं वहाँ पे आप इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ये टेराकोटा की जो इनकी ब्रिलियंस है उसके बारे में। तो हमने पाल कला के बारे में बात किया, सबके पास यही कंटेंट होगा जो आपके पास होगा। मार्क्स भी आपको एवरेज ही मिलेंगे, पर आप कुछ एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, कुछ इनोवेशन के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, मैप्स के थ्रू, ऐसी चीज़ों को आप ऐड करके अपने आंसर में, अपने मार्क्स में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।